इससे आपको रिलीफ मिले ना। इधर से लाना आपको ऐसे, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, इसको भी ऐसे चढ़ा लेना। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1600 मीटर के जो भी भाई मेरा तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट वर्कआउट बताऊंगा कि आपको संडे को जैसे रेस्ट लेना है, हफ्ते में एक दिन आपको रेस्ट देना है। रेस्ट के दौरान आप क्या करना है, आपको करना है फुट मसाज, पैरों की मालिश। और पैरों की मालिश कैसे होता है, पैरों को मसाज करना है। और मसाज करने से दोस्त फायदा क्या होगा, देखो दोस्त बताऊंगा वीडियो के थ्रू, आप करूंगा तो बताऊंगा कि वीडियो में आपको फायदा क्या होने वाला है। इस सच में बता रहा हूँ ना दोस्त, आप पैरों की, आप टोटल काम करते हो अपने पैरों से, रनिंग करते हो, हार्ड करते हो, ठीक है, तो उससे आपको उसको रिलीफ करने के लिए आप एक से दो दिन आप पैरों की मसाज करना है। तो मेरा पैरों की मसाज कैसे करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको बताऊंगा लाइव करके भी कि आपको कैसे करना है। आपका हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल जो भी होते हैं, अपना थाई मसल को, और इस काफ मसल जो भी हमारा टाइट हो जाता है, टाइट होने के दौरान क्या होता है, आपका नी में पेन आता है। अगर ये रिलीफ नहीं होगा, मतलब एक डाउन मसल आपको रिलीफ नहीं होगा, तब तक आपको नी में पेन रहेगा, घुटना में दर्द आएगा, ठीक है। तो उसको रिलीफ करने के लिए और अच्छा तेज दौड़ने के लिए 4:40 टाइमिंग लाने के लिए ये भी एक अहम रोल होता है ना। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो तो सबसे पहले आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो ना, आप मतलब ऑलिव ऑयल ले सकते हो, थोड़ा महंगा है, मगर आप सबसे अच्छा बता रहा हूँ देसी मिल जाएगा। सरसों तेल लेना, उसमें लहसुन का टुकड़ा डालना, उसको पका देना है, ठीक है। आपको नहीं पता अपनी मम्मी जी से बोलना और बना के रख लेना है बोतल में, आपका एक मंथ का तैयार हो जाएगा। आप कोई भी तेल ले सकते हो ना, सबसे अच्छा सरसों का तेल, लहसुन लेना है और इसको ऐसे डाल के, ठीक है, ऐसे डाल के आपको नीचे लाना है। देखो दोस्तों ऐसे इसको नीचे लाना दोस्तों ना, देखो आपको नीचे लाना है, ठीक है, साइड से भी नीचे ना, ऐसे ऐसे करना साइड से भी लेके ना। एक पैर पे आपको 15-20 मिनट तक आपको काम करना है, ठीक है, हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन करना दोस्तों ना। यहाँ पे एंगल लाके, एंगल पे लाके यहाँ पे आप, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हो ना, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आते हैं तो घुटना पे, घुटना पे क्या करना है आपको, घुटना यहाँ पे लेके इसको ऐसे ऐसे एंगल मिला सकते हैं ना, फिर यहाँ पे लाके ऐसे कर सकते हैं ना घुटना पे। थाई मसल को सेम ऊपर लेके चढ़ा सकते हैं, फिर डाउन कर सकते हैं, थाई मसल ठीक ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेके डाउन कर सकते हैं ना, जिससे आपको रिलीफ मिले ना। इधर से लाना आपको ऐसे, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, इसको भी ऐसे चढ़ा लेना ऊपर तक ऐसे, फिर यहाँ से लाना है, इसको नीचे डाउन करना है ऐसे ऐसे, है ना, फोर्स लगा के दोस्त, फोर्स लगाना है आपको ना, ये डाउन कैसे करना, ऐसे नीचे से भी ऐसे करना है, यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा एंगल मिलाना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे से ऊपर चढ़ाना है ना, और इसका ऊपर ले जाना है ऐसे इधर, फिर डाउन लाना है, ऊपर ले जाना है, डाउन लाना है, फिर इसको नीचे लाना है, इसको नीचे तरफ, ठीक है, और इसको घुटना के पास यहाँ पे लेके आप ऐसे कर सकते हो, छोड़ कर एक दिन आप रेस्ट दोगे, बॉडी को मसाज करोगे। जैसे दोस्तों आपको पैर से सब कुछ करना है ना, घोड़ा का पता आपको मसाज होता है क्योंकि रनिंग इतना तेज करता है, तो आपको घोड़ा बनना है तो आपको अगर 4:40 मारना है तो आपको पैरों की मसाज करना ही पड़ेगा, है ना। वायल बता देता हूँ, सरसों तेल लहसुन पका के सबसे बेस्ट वायल है। रात में दोस्त सोते समय आपको सरसों तेल यहाँ रखना ही है ना, आपको सोते समय रात को सरसों तेल एवरी डे रखना है, ठीक है, क्योंकि आप रनिंग करते हो, ग्रीसिंग अगर खत्म हो गया ना दोस्त, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है रनिंग में, ठीक है। अगर आपको रनिंग में 4:40 करना है तो आपको एक दिन बॉडी में दो दिन रेस्ट देना ही है। आप अगर दोनों टाइम रनिंग करते हो तो संडे को बिल्कुल रेस्ट देना है ना, और ये आपको पैरों की मसाज करना है, क्योंकि पैर अगर ये आप मसल देखो, अगर आपका ले ये आपका थाई मसल अगर टाइट है और ये हमेशा का मसल टाइट है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दर्द आने वाला है। इस मसल को आपको लूज करना होगा ना, इस मसल को रिलीफ करना होगा। तो हफ्ते में एक से दो दिन बिल्कुल आप मसाज करें अपने पैरों को बढ़िया से, क्योंकि थाई मसल टाइट, ये मसल टाइट, तो बिल्कुल नी में आपको दर्द आने वाला है। अगर थाई मसल नहीं ठीक रिलीफ हो रहा है, ये भी मसल रिलीफ हो रहा है, तो बिल्कुल आपका नी भी रिलीफ हो रहा है ना दोस्त। तो दोस्तों याद बताया हमको पैरों की मसाज कैसे करते हैं, आप ये वाला मसाज मत करना, ये वाला ऐसे ऐसे नहीं करना कभी भी, आपको ऐसे ऐसे